हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टू की, और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट वन आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। आइए देखते हैं कि यहां पे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द नंबर्स 8068600086260 and 800 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताने हैं नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि पहले आपका छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे छोटे नंबर की बात करें तो ये 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि जीरो आगे है। तो ये 086 एक्चुअली 2 डिजिट का नंबर है, तो सबसे छोटा ये वाला है। तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, तो पहले तो इसने 800 दिया है तो ये नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन में भी 800 है तो ये नहीं हो सकता। ए या सी में से कोई आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये 806 से 860 है, ये आपका 800 है, तो नेक्स्ट नंबर आपका 260 होना चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा, 260। तो यहाँ पे देखिए 086 के बाद कितना है, यहाँ पे 260 है, और यहाँ पे 086 के बाद क्या है, 806। तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और हमको पूरा करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको इन सबको जोड़ना है और बताना है कितना आएगा। तो एक तरीका है इसको जोड़ने का, आप पहले ऐसे लिख लीजिए इसको, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। 4.44, फिर उसके बाद आपका 44.4। अब इन सबको मैच करा लीजिए, जैसे यहाँ 4 के बाद कुछ भी नहीं है, तो आप 4 के बाद पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा सकते हैं, और यहाँ पे 4 सिंगल है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 4 का 4 एज इट इज रहेगा, और 448, तो ये पॉइंट एज इट इज, 448, 84, 12 का 2 कैरी 1, तो ये आपका यहाँ पे 5 हो गया। तो 52.84, यानी ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, और आपको एक स्क्वायर रूट ऑलरेडी दिया है, उसके बाद उसमें 176 को प्लस किया है, उसके बाद उसका दोबारा से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए आपका 2401 है, तो एक इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, अल्का मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे 50 का स्क्वायर आपका होता है 2500, तो ये 50 से छोटा होगा, यानी इसका जो स्क्वायर है, जो ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो नंबर 50 से छोटा होगा। तो एक्चुअली नंबर 49 होना चाहिए। 49 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 2401। ऐसा नहीं कि आप इसको करने बैठ गए कि भाई 2401 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं या फिर लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करके इसका पहले निकालते हैं, इतना करेंगे टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और ये 49 का स्क्वायर होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके रफली चेक भी कर लीजिए, यानी इतना आपको गैस करना आना चाहिए कि किसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे 9981 करेंगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, आप इतना गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 49 को 949 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको 2401 ही मिलेगा। 9981 कैरी 8, 9436 में 8 ऐड करेंगे तो आपको 44 मिलेगा, तो आपका कैरी 4 हो गया। सॉरी, अब तो 4 का 4 पूरा लिखना पड़ेगा, आगे कोई नंबर नहीं है। अब आगे देखिए, 4936 कैरी 3 हो गया, 4416 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो देखिए 1 का 1 6410 कैरी 1, 9415 9514 कैरी 1, और ये 2, तो 2401 आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 49 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 176 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ही आपका 2401 है, तो ये 49 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है 14 होता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 6511। अच्छा एक चीज, ये 49 है, ठीक है, तो 9615, 15 का 5 कैरी 1, फिर 7 और 4 11 होता है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा कैरी 1, 1 और 1 2, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। और मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 15 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फाइंड दी, ध्यान से देखिएगा, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन
डिवाइडेड बाय 25, 40, 60, लीव्स रिमाइंडर 7. इसका सिंपल सा मतलब ये, लीव्स रिमाइंडर 7 ईच केस, इसका सिंपल सा फंडा ये कि वो जो भी नंबर है उसमें आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 40 से करेंगे डिवाइड तो भी 7 बचेगा रिमाइंडर, और 60 से भी डिवाइड करेंगे तो भी आपका 7 ही रिमाइंडर बचेगा. तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप 25, 40 और 60 का निकाल दो एलसीएम. तो यहाँ पे आप एक काम करो, आप अकेडमिक्स की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या करो यहाँ पे डायरेक्टली 5 से कर लो, कोई इशू नहीं है. 2 से हम बाद में भी कर लेंगे, हमें अपना टाइम सेव करना है. तो 5 5 20 5 5 8 40 5 1 5 2 बचा, तो ये 10 हो गया, 5 2 10, अगेन आप 5 से दे दीजिए तो 5 1 5 फिर 8 एज इट इज रहेगा, 12 भी एज इट इज रहेगा. अब आप 2 से दे दीजिए, 1 ये 4 ये 6 करेक्ट, फिर 2 से दीजिए 1 2 3, फिर एक बार आप यहाँ पे देंगे और तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो अगेन 2 से दीजिए तो ये 1 1 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में 3 से, तो देखिए कितना हो गया, 5 5 25 25 2 50 50 2 100 100 2 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 600 मिलेगा. और ध्यान रखिए उसमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इन सब का एलसीएम निकालने के बाद आपको लास्ट में 7 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 607, यही वो आपका नंबर है जो कि आप ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अशोका बैच. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है टारगेट लर्निंग 5. और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको कॉल करके अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और जो ऐप का नाम है वो है टारगेट लर्निंग 5. इस ऐप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी और ये उसका लोगो है, तो ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इसे सर्च कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सिंपलीफाई एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन है, तो देखिए ये 6/5 है और ये इंटू में 3/2 है. ध्यान से समझिएगा, ये डिवाइड है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको बताया हम डिविजन करते हैं, क्योंकि क्या यूज करते हैं, बी बॉर्ड मास, बी फॉर मिनकुलम या बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिविजन, M for multiplication, A for addition, last में आपका क्या आता है, subtraction. तो यहाँ पे ना तो आपका minculum में ना brackets हैं और ना ही off है, तो division, multiplication, addition और subtraction पे हम जाएंगे. हालांकि यहाँ पे हाँ बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं. ठीक है, मैं सोचा शायद subtraction नहीं, लेकिन subtraction भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम division करेंगे, तो यहाँ पे division का sign है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डिवीजन आप कैसे करेंगे ये डाउट रहेगा, तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए. उसके बाद जो 4/8 फ्रैक्शन है आपका, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये 8/4 हो जाएगा, -2/3 और प्लस का 1/5. तो देखिए आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि डिवीजन वाला प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे. तो देखिए 3 से तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो एक काम कीजिए, 4 1 4 4 2 8, फिर 2 से 2 को भी काट दीजिए, फिर 6 3 18 हो जाएगा और नीचे आपका 5 है, माइनस का 2/3 और ये प्लस में 1/5. अब ये 18/5 और ये आपका 1/5 है, दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि हम एडिशन करेंगे, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो 19/5 -2/3. अब आपको लेना होगा एलसीएम, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा और आप क्या करेंगे 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 3 57 माइनस 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो 3 5 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये कितना आ गया आपका 47/15. अभी आप देख सकते हैं कि ये आंसर जो है वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 15 3 45 2 बचा, तो 2 ऊपर और 15 नीचे, तो आपका आंसर क्या होगा, 3/2/15 करेक्ट, 3/2/15. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपका आंसर मैच कर रहा है. आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. Tanuja has 1/3 of a sack of wheat. She divides the wheat equally into 11 bags. Okay, done. What fraction of the full sack of wheat is in each bag? तो देखिए मान लीजिए टोटल जो आपका वीट है, जो उसका पूरा सैक है वो x है, ठीक है, उसमें x अमाउंट है और 1/3 का हम लें तो 1/3 of x हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका x/3. अब इस x/3 को एक
इक्वली 11 बैग्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे 11 बैग में आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच बैग में कितना आएगा, अमाउंट इन ईच बैग, तो ये निकल के आएगा आपका x by 3 डिवाइडेड बाई 11, यानी इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि x by 3 में 11 का डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम 11 ओवर 1 लिख सकते हैं, आप डिवाइड कैसे करें वो बहुत बड़ा टास्क है इस केस में, तो आप एक काम कीजिए, वही आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1 ओवर 11 हो जाएगा। तो x into 1 आपका x होगा, 3 into 11 33, तो x by 33 आपका हर एक बैग में होगा। अब उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ व्हीट इज इन ईच बैग, तो ये आपका क्या है 1/33 इनटू आप x लिख सकते हैं, तो कंप्लीट सैक का ही 1/33 आ रहा है, तो कितना फ्रैक्शन मिला आपको 1/33, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100, यानी 20 नंबर्स का एवरेज आपको 100 दिया है, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको क्या देता है, एवरेज देता है। तो यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सम ऑफ 20, और इनको 20 से डिवाइड करूंगा तब जाके आपको कितना मिलेगा एवरेज, 100 मिलेगा, जो कि दिया है उसने, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100। तो सम ऑफ 20 नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा और 100 में 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जो कि आपका आएगा 2000, राइट। तो ये 2000 आपका आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको करना है सिंप्लीफाई, क्या है आपका 5 होल 1/2 है, ऑफ मतलब इनटू होता है 240 आ जाएगा, इज इक्वल टू 150%, यानी 150 ओवर 100, ऑफ मतलब इनटू, और ये आपका एक्स आ जाएगा। तो 5 to 10, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 to 10 प्लस 1 11, 11/2 इनटू 240 इज इक्वल टू में 150, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हुआ और 5 to 15, 5 to 10, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3/2 इनटू एक्स, मतलब 3x/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 120 आएगा, और ये आपका कितना हो गया 11 into 120, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, और आपको x निकालना है, तो एक काम कीजिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई में ले जाइए क्योंकि डिवाइड में, और इस 3 को डिवाइड में ले जाइए क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो देखिए 3 4 12, तो ये 40 आ गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, और 80 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 88 आएगा, और लास्ट में 0 लगा दीजिए, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 880 आपका क्या है, राइट आंसर है, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, राज बॉट अ साइकिल फॉर ₹690 एंड सोल्ड इट फॉर ₹655.50 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द लॉस पर्सन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एसपी है वो है 655.50 और जो सीपी है वो है 690, तो लॉस आपको हो रहा है, आपको सीपी में से एसपी को माइनस करना होगा, और यहाँ पे जो आपका सीपी है वो 690 है और ये आपका है एसपी, करेक्ट, यहाँ पे 0.00, तो जब आप माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, आपको कैरी लेना पड़ेगा, तो 9 से कैरी यहाँ जाएगा, यहाँ 10, फिर यहाँ पे कैरी जाएगा, तो यहाँ 10 और यहाँ हो जाएगा 9, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 और 6 में 6 गया 0, तो 34.50 आपको लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर सीपी इनटू 100, तो लॉस कितना है आपका 34.50 और सीपी कितना है आपके पास 690 इनटू 100, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 3450 अपॉन कितना है 690, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 69 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 345 मिलेगा, देखो 69 इनटू 5, तो 5 9 45, कैरी 4, 5 6 13 और 4 34, तो 345 मिल रहा है, यानी 69 से 5 टाइम पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 5% को आपको क्या होगा, लॉस होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, आइए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, अ सर्टेन मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओके अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो देखिए आपका जो ओरिजिनली अमाउंट था इनिशियल वो पी था,
अब ये कितना हो गया खुद का 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ पी, 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ पी, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका बन गया अमाउंट कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। तो आपको रेट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एस आई निकाल लीजिए, तो एस आई कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, अमाउंट है 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ पी माइनस पी। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पे 4 में 4 का डिवाइड तो 4 1 टाइम जाएगा, तो 1 को 5 पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पी आएगा, माइनस 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी, तो ये कितना आ गया पी बाय 4, ये आपका हो गया एस आई। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो पी कितना है आपका, पी एज इट इज आएगा, और एस आई आपके पास कितना है पी बाय 4 इंटू में रेट आपको निकालना है, टाइम दिया है 5 ईयर नीचे 100, तो ये पी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे इक्वल में भी दूसरी होती है फ्रैक्शन में, तो आराम से आप काट सकते हो, अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं काट पाते, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया आर इंटू 5 ओवर 100, तो 5 बन जाए 5, 5 टू जाए 10, एक जीरो भी आएगा और 20 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 20 ओवर 4 आपको यहाँ पे मिलेगा और ये आपका रेट निकल के आएगा, तो 4 5 का 20, तो 5% आपका क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो यहाँ पे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।